वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साखी भाई मती दास जी। दुनिया के सारे इतिहास विचों सिख इतिहास एक विलक्षण इतिहास है, क्योंकि सिखा ने अपने धर्म नूं बचाउण लई इन्नियां शहादतां दित्तियां हन, इन्ने तसीहे झले हन कि रहिंदी दुनिया तक उन्हां महान शहीदां नूं याद किया जाएगा। उन्हां विचों एक शहादत भाई मती दास जी ने भी दित्ती। आओ असी उन्हां बारे तुहाडे नाल जानकारी सांझी करिए। सिख अरदास विच जदों आर्या नाल चिराए गए शब्द आउंदे हन तां इह सतिकारयोग भाई मती दास जी दी महान शहादत प्रति अकीदत हन। भाई मती दास जी नूं दो थम्मां नाल बन्न के आरे नाल चीरिया गया सी। दिल्ली विच लाल किले तों थोड़ी दूर गुरद्वारा सीसगंज साहिब के सामने बने वड्डे फुहारे वाली थां सिख शहीदां दे खून नाल रंगी हुई है। ये थां ओह है जिथे भाई मती दास जी नूं शहीद किया गया सी। हजारां लोकां दी हाजरी विच आरा सीस ते रख के यूं फेरिया गया जिवें मोछे नूं दुफाड़ किया जांदा है। पर सदके जाइए उस महान आत्मा दे जिस दियां अखां विचों दर्द नाल एक हंजू नहीं किरिया, गले विचों हौका नहीं आया, शरीर विच जरा भी कांबा नहीं छिड़िया, मन डोलिया नहीं ते जपजी साहिब दा पाठ करदियां ध्यान नहीं थिड़किया, अते उस समय तक बिरती एक ही रही जदों तक आरे ने शरीर दुफाड़ नहीं कर दिता ते आत्मा रूपी भौरा शरीर रूपी रुख तों उडारी नहीं मार गया। पाकिस्तान दे जहलम जिले विच पिंड करियाला है, जो सुंदरता ते दिल खिचवें नज़ारियां दे पक्खों सारे धनी पोठोहार विच खास प्रसिद्ध है। आस पास पहाड़ियां दे सुंदर दृश हन। इस इलाके नूं धनी कहा जांदा है। सचमुच ही कुदरती दृश्यां करके ये इलाका बहुत ही सोहना है। भाई मती दास जी इसे सोहने इलाके दे जंपल सन, जिन्हां अपनी कुर्बानी नाल जिथे अपना नाम रोशन किया उत्थे इलाके दी शोभा भी वधाई। भाई मती दास जी ते भाई सती दास जी दोवें सके भरा सी। इस दे इलावा आप जी दे दो होर भरा सन, भाई जती दास जी ते भाई सखी दास जी। भाई मती दास जी दे पिता दा नां भाई परागा सी अते दादे दा नां महात्मा गौतम दास सी, जो गुरु अर्जन देव जी दे सिख बने। आप पिंड करियाला जिला जेहलम पाकिस्तान दे वसनीक ते शिबर ब्राह्मण सी। आप जी दे पिता जी भाई परागा जी बड़े दलेर ते पहलवान सी। पिंड विच ही नहीं सारे इलाके विच इन्हां दा कोई मुकाबला नहीं सी कर सकदा। जदों श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने मीरी पीरी दियां दो तलवारां पहन लईयां ते बकायदा फौज रखण दा ऐलान कर दिता तां भाई परागा भी गुरु साहिब दे चरणा विच हाजर होया ते अपने आप नूं सेवा लई पेश कर दिता। गुरु साहिब ने सोहना जवान ते नेक पिता दा पुत्तर देख के खुश होए ते एक अहुदे दे मुखी वजों नियुक्त किया। जदों हरगोबिंदपुर नेड़े गुरु साहिब ने दूजी लड़ाई लड़ी तां उस समय भाई परागा जी ने खास बहादुरी दिखाई। भाई मती दास जी मुढ़ तों ही बड़े शरदालू ते नाम रसीए सन। जदों श्री गुरु तेग बहादुर जी लम्मी तपस्या पिछों जदों बाबा बकाला विच प्रगट होए ते गुरु गद्दी संभाली
ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਆਂ। ਧਨੀ ਪੋਠੋਹਾਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਆਈ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਤਮਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਲਟਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਦੀ ਧਾਰ ਲਈ। ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਵਾਂਗੂ ਕਥਨੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦੇ ਧਨੀ ਸਨ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹਰ ਹੁਕਮ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਸਦਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਸਾਨੀ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਵਿਖੇ ਧੀਰਮਲ ਦੇ ਪੱਖੀ ਸ਼ੀਹਾ ਮਸੰਦ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਪਰ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸਾਮ ਵੱਲ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪੂਰਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਆ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਧਰਮ ਨਾ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲੱਖਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਿਆ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ। ਕਾਫੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰ ਪਈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅੱਗੋਂ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਆਗਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਹ ਪੰਜ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਉਦਾ ਜੀ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਆਗਰੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਤੇ ਪੰਜੇ ਸਿੱਖ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਸਨ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਕਮ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਛੱਡ ਦੇਣ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੇ ਧਰਮ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਨਾ ਮੰਨਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
सरकार दे मुखी अफसरां ने आप जी नूं खुले कमरे विच कैद रखण दी थां एक पिंजरे विच बंद कर दिता। पिंजरे विच आराम करना ते तुरना फिरना भी बहुत औखा ही नहीं सगों असंभव सी। गुरु साहब जी दी ये हालत देख के भाई मतीदास जी तो बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया। उन्होंने गुरु जी नूं बेनती की कि हे महाराज जी आग्या दिओ तां मैं दिल्ली ते लाहौर दी इट नाल इट वजा दियां, इहना जालम हाकमां नूं कीते दा मजा चखा दियां। इस समय गुरु तेग बहादुर जी ने समझाया कि यह सारा कुछ तुसी शांति नाल देखदे चलो, असी अगम्मी शक्ति नाल करामात दे सख्त विरुद्ध हाँ। तुहानू पता है सानू भी इना पेशकश कीती है कि असी करामात दिखाईए, पर असी अजिहा करन तों साफ मना कर दिता है। सानू खिड़े मत्थे आ रहे हालातां दा टाकरा करना चाहिदा है। इस विच साड़ी समुखी मनुख जाति दा भला होवेगा। समय दी मंग है कि असी कुर्बानी देईए, इसलिए दृढ़ रह के सानू आई औकड़ दा सामना करना चाहिदा है। गुरु साहब नाल भाई मतीदास जी दी इस सारी गलबात नूं सरकारी कर्मचारियों विचों किसी ने सुन लिया ते जाके शिकायत लाई ते कुछ वधा के गल्लां दसियां। पहला ही सरकार दे मुखिए ते काजी ये सोच रहे सन कि गुरु जी उपर पिंजरे विच बंद करन दा कोई असर नहीं होया, इसलिए उन्हां दे सिखां नूं उन्हां दियां अखां सामने तड़फा तड़फा के मारिया जाए ता कि गुरु जी दे मन उत्ते असर होवे ते ओ मन जाण। जदों भाई मतीदास जी दी इह सारी गल उन्हां नूं पता लगी तां उन्हां नूं इक स्पष्ट बहाना भी मिल गया। उसे वेले भाई मतीदास जी नूं शहीद करन दा हुक्म हो गया। फैसला यह कीता गया कि सिर ते आरा फेरिया जाए। कोई भी आदमी अपने शरीर नूं लकड़ी दे मोचे वांग चिरदा देख के बर्दाश्त नहीं सी कर सकता। उन्हां दा ख्याल सी कि जदों आरा लिया के सिर ते रखण लगे तां मतीदास जी ने उसे वेले असलाम कबूल कर लेना है, पर उन्हां दा अंदाजा गलत निकलिया। भाई मतीदास जी नूं कोतवाली दे कैदखाने तो कढ़िया गया। शहर विच उन्हां नूं सरकार वल्लों दित्ती जाण वाली सजा बारे टंडोरा फेर दिता गया। भारी गिणती विच लोक आ जुड़े। कोतवाली दे सामने सारी थां खुली पई सी। विचकार कच्चा राह शहर वल जांदा सी। उस राह दे परले पार जिथे अजकल फुहारा है भाई मतीदास जी नूं बिठा दिता गया। आरा लेके जलाद आ गए। भाई मतीदास जी नूं कहा गया कि करामात दिखाओ ते साडा सारा कुछ तबाह करके दिखाओ। भाई मतीदास जी ने कहा कि मेरे गुरुदेव का हुक्म नहीं अजिहा करन दा, नहीं ते मैं तुहानू दस दिंदा। काजी ने एक बार फिर सरकार वल्लों पेशकश कीती। दुनियावी सुखां ते होर वस्तुआं दे लालच दिते, पर भाई मतीदास जी ने कुछ भी परवान ना कीता। अखीर फिर जलादा नूं नजदीक बुला लिया गया। उहनां नूं फिर इतना को मनन लई कहा गया कि ओ गुरु तेग बहादुर जी दा साथ छड देन। भाई मतीदास जी ने उत्तर दिता कि यह नहीं हो सकता, गुरु जी दा लड़ छड के मैं ज्यौंदा नहीं रह सकता, फिर भी मैं रौल के मरना है।
इस लई तुहाडे तसीहे सह के मरना वधेरे चंगा है। हुण बहुती देर ना लाओ, मैनू इउं पिया जापदा है कि शहीदां दे सरताज धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी मैनू अपनी गलवकड़ी विच लैण लई पवित्र बाहां खोल के बुला रहे हन। काजी ने पुछया कि मरन तो पहला जेकर कोई तेरी इच्छा है ता ओ दस, असी उसनू पूरा कर सकते हाँ। ए उस समय रिवाज सी कि जिसनू मारना होवे उसकी कोई मनण योग इच्छा पूरी कर दिती जांदी सी। भाई मती दास जी नू जदों पुछया गया ता उहना ने कहा, मेरी इच्छा यह है कि मेरे शरीर ते आरा रखण समय मेरा मूँह उस पिंजरे वल कर दिता जाए जिस विच धन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी हन, ता कि मैं अपने जीवन दे अंतले सुवास तक अपने माही प्रीतम दे दर्शन कर सकां। मैनू होर इस समय किसे चीज़ दी इच्छा नहीं। इसे तरह कीता गया ते भाई मती दास जी दा मूँह उद्धर करके आरा सीस ते रख दिता गया। हजारां दी गिणती विच इकट्ठे होए लोग देख के हैरान हो रहे सन कि भाई मती दास जी नूं जरा भी घबराहट नहीं। शरीर दे रंग विच मौत ते भय नाल कोई तब्दीली नहीं आई, सगो जपजी साहिब दा पाठ आरंभ कर दिता ते उधरों आरा सीस ते अगे तो पिछों पिछों तो अगे चलन लग पिया, जिवें लकड़ी नूं चीरदे हुंदे। दो फेरे देण नाल ही खून दीआं धारां दूर दूर तक वगण लग पईआं, मूँह ते खून दे परनाले डिगण लग पए। शरीर विच बिल्कुल कांबा नहीं छिड़िया, समाधि नूं आरी दा चीर भी भंग ना कर सकिया। उधरों भाई मती दास जी ने यह तक पड़ी, जिन्नी नाम त्याया गए मसतक काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। उधरों आरा अपना काम मुका बैठा ते शरीर दो फाड़ हो गया, पौर उडारी मार गया ते शरीर धरती ते डिग पिया। देखण वालियां दे रोंगटे खड़े हो गए। सरकार ने लोकां दे सामने ये सारा कारा इस लई कीता तां कि उह भयभीत हो जाण ते गुरु साहिब दे हमदर्द भी ना रहन, पर इस दा उल्टा असर होया। इस तरह दे जुलम नाल लोकी भयभीत नहीं हुंदे, सगों जुलम विरुद्ध जज्बा उभरदा है, धुआं धुकदा है जो किसे वेले ज्वाला बन के जुलम नूं साड़ फूक दिंदा है। भाई मती दास जी दा शरीर उत्थे ही पिया रहन दिता गया। ये नहीं अगों पता लग सकिया कि उहना दी देह दा की बनिया। शहीदी समा 1675 ईस्वी दे नवंबर दा पहला हफ्ता इतिहास विच आया है। आप पिछों दूजे दिन भाई दयाला जी नूं देग विच उबाल के शहीद कीता गया। भाई मती दास दे भरा भाई सती दास नूं रूई विच लपेट के जिंदा साड़ के शहीद कीता गया। जेकर तुहानूं साडी इह वीडियो पसंद आई तां इस नूं वध तों वध लाइक शेयर अते चैनल नूं सबसक्राइब जरूर करियो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।